अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जी एग्रीकल्चर 1-2। सॉइल प्रिपरेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जर्मिनेशन ऑफ सीड। देखिए, ज़मीन की तैयारी जो है वो बीज के उगाव में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। ये देखें, एक बंदे ने यहाँ गंदम काश्त की है और ज़मीन की तैयारी यहाँ इसकी देख लें, यहाँ देख ले उगाव और यहाँ देखें ये उगाओ, देखें कितना डिफरेंस है। यहाँ उगाओ बिल्कुल नहीं है, आपको ये दिखा रहा हूँ कि देखें ज़मीन की तैयारी कैसे हुई पड़ी है। ये घास वैसे का वैसा पड़ा है, ये देखें ये घास वैसे का वैसा पड़ा है, ये ज़मीन की तैयारी हुई पड़ी है। अब यहाँ देख लें गंदम का उगाओ ना होने के बराबर है। अब ये देख लें, ये ज़मीन इनकी तैयार हुई पड़ी और उन्होंने गंदम यहाँ काश्त कर दी है। ज़मीन की तैयारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जर्मिनेशन ऑफ सीड में। जब आपकी ज़मीन अच्छे तरीके से तैयार नहीं होगी तो फिर इस तरह ही जर्मिनेशन होगी। ये देखें, घास वैसे का वैसे पहला पड़ा है और इन्होंने गंदम की बुवाई कर दी है। देख लें, इस वजह से हमारे ज़राई साइंसदान सबसे पहले यही रिकमेंड करते हैं कि आपकी ज़मीन की तैयारी भरपूर होनी चाहिए। अगर ज़मीन आपकी अच्छे तरीके से तैयार नहीं है तो आप कभी भी अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। और देख लें ये कितनी ज़मीन इनकी ख़राब हुई पड़ी है। अब यहाँ गंदम का उगाव कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर है। ये चीज़ जो है आपकी प्रोडक्शन में कमी का बाइस बनती है। इस वजह से हमें चाहिए कि ज़मीन को हम अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि हम अच्छी फसल लेने में कामयाब हो जाएं। किसान वैसे भी अपना एक्सपेंस करता है लेकिन थोड़ी सी और मेहनत करने ना करने की वजह से वो अच्छी पैदावार लेने में नाकाम हो जाता है। तो प्लीज़ ज़मीन की तैयारी को आप लाइट ना लें, अच्छे तरीके से अपनी ज़मीन तैयार करवाया करें ताकि आप अच्छी पैदावार लेने में कामयाब हो जाएं। शुक्रिया।